अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के लिए मैं आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे, जैसे रुखसाना बेगम तो अपनी हरकतों से कभी भी बाज आने वाली नहीं है। रुखसाना बेगम कुछ ना कुछ ऐसा करती जा रही हैं जिसकी वजह से सबकी ज़िंदगी मुश्किलात भरती जा रही हैं, और ये सब कुछ रुखसाना बेगम सिर्फ इसी वजह से ही कर रही हैं क्योंकि जो कुछ रुखसाना बेगम के साथ उनके माजी में हो चुका था उसका बदला ले रही हैं अपने हाल में, दूसरों लोगों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद करके, यानी खुद तो बेसकून रह रही हैं, दूसरों की जिंदगी को भी तबाह बर्बाद कर रही हैं, उनको भी बेसकून कर रही हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम इशर के पीछे तो हाथ धो के पड़ चुकी हैं, इशर को उसके साथ नहीं रहने दे रही जुनैद के साथ। जिसके बाद रुखसाना बेगम इशर से यही बात करती हैं कि मैं भी देखती हूँ तुम इस घर में किस तरह से रहती हो। ये बात सुनकर इशर यही कहेगी रुखसाना बेगम से, अगर आप चाहती हैं मैं इस घर से चली जाऊँ तो फिर ठीक है, आप निकाले मैं इस घर से जाऊँगी। यानी रुखसाना बेगम किचन में आती हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें करने लग जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, और इशर के सामने बर्तन तोड़ने लग जाते हैं और शोर शराबा मचाने लग जाएंगी। जिसके बाद सारे इल्ज़ाम इशर के ऊपर ले आएंगे और यही कहेंगे इशर से, देखना मैं तुम्हें इस घर में रह के किस तरह से जलील और रुसवा करूँगी। इशर बड़ी परेशान हो गई है ये सब कुछ हरकतें देख के रुखसाना बेगम की। यानी रुखसाना बेगम ने अपनी सास को तो पागल बना ही दिया था, वहम भी बना दिया था, अब इशर पे ये सब कुछ इल्ज़ाम लगा रही हैं, और जुनैद तो पहले ही इशर से दूर हो गया है। बेचारी इशर के ऊपर जो मुसीबत पड़ रही है वो तो बेचारी बहुत कश्मकश में पड़ गई है, जबकि इशर के वालिद का और रुखसाना बेगम का कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से वो अभी पर्दा उठना है इस राज से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड आती जाएंगी इस राज से पर्दा उठता चला जाएगा। जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, ये सब कुछ हो जाने के बाद इशर अपने वालिद को बताएगी और उनसे यही कहेगी अब वो इस घर में नहीं रहेगी, उनके साथ वापस जा रही है। इशर के वालिद जब आएंगे तो रुखसाना बेगम उनसे यही कहेंगी, जिस तरह आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया और आपसे मुझे अलग कर दिया गया, लेकिन अब मैं वो सब कुछ करके ही दिखाऊंगी जो कुछ मेरे साथ माजी में हो चुका है। और एक तरफ जुनैद की वालदा जो है वो फरीद की जो वाइफ है उसके पीछे भी लगी हुई है कि बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तुम माँ नहीं बन सकती, इस बच्चे को तुम ज़ाया करवा दो। सब लोग बड़ी कश्मकश में आ गए हैं, ये सब कुछ रुखसाना बेगम कर रही हैं। रुखसाना बेगम ने दूसरों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है, खुद भी चैन से नहीं बैठने वाली। ये जो दूसरों के साथ कर रही हैं इनके साथ खुद भी होके ही रहेगा क्योंकि वो असल में खुद वहमी है, इसलिए दूसरों को वहमी बनाना चाह रही हैं। आपको ड्रामा से वहम के नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रहे हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के लिए मैं आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे, जैसे रुखसाना बेगम तो अपनी हरकतों से कभी भी बाज आने वाली नहीं है। रुखसाना बेगम कुछ ना कुछ ऐसा करती जा रही हैं जिसकी वजह से सबकी ज़िंदगी मुश्किलात भरती जा रही हैं, और ये सब कुछ रुखसाना बेगम सिर्फ इसी वजह से ही कर रही हैं क्योंकि जो कुछ रुखसाना बेगम के साथ उनके माजी में हो चुका था उसका बदला ले रही हैं अपने हाल में, दूसरों लोगों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद करके, यानी खुद तो बेसकून रह रही हैं, दूसरों की जिंदगी को भी तबाह बर्बाद कर रही हैं, उनको भी बेसकून कर रही हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम इशर के पीछे तो हाथ धो के पड़ चुकी हैं, इशर को उसके साथ नहीं रहने दे रही जुनैद के साथ। जिसके बाद रुखसाना बेगम इशर से यही बात करती हैं कि मैं भी देखती हूँ तुम इस घर में किस तरह से रहती हो। ये बात सुनकर इशर यही कहेगी रुखसाना बेगम से, अगर आप चाहती हैं मैं इस घर से चली जाऊँ तो फिर ठीक है, आप निकाले मैं इस घर से जाऊँगी। यानी रुखसाना बेगम किचन में आती हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें करने लग जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, और इशर के सामने बर्तन तोड़ने लग जाते हैं और शोर शराबा मचाने लग जाएंगी। जिसके बाद सारा इल्ज़ाम इशर के ऊपर
ले आएंगे और यही कहेंगे ईशा से, देख रहा मैं तुम्हें इस घर में रह के किस तरह से जलील और रुसवा करूंगी। ईशा बड़ी परेशान हो गई है ये सब कुछ हरकतें देख के रुखसाना बेगम की। इन्हें रुखसाना बेगम ने अपनी सास को तो पागल बना ही दिया था, वह भी बना दिया था। अब ईशल पे ये सब कुछ इल्जाम लगा रही हैं और जुनेद तो पहले ही ईशल से दूर हो गया है। बेचारी ईशल के ऊपर जो मुसीबत पड़ रही है वो तो बेचारी बहुत कश्मकश में पड़ गई है, जबकि ईशल के वालिद का रुखसाना बेगम का कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से वो अभी पर्दा उठना है इस राज से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड आती जाएंगी, इस राज से पर्दा उठता चला जाएगा, जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ये सब कुछ हो जाने के बाद ईशल अपने वालिद को बताएगी और उनसे यही कहेगी अब वो इस घर में नहीं रहेगी, उनके साथ वापस जा रही है। ईशल के वालिद जब आएंगे तो रुखसाना बेगम उनसे यही कहेंगी जिस तरह आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया और आपसे मुझे अलग कर दिया गया, लेकिन अब मैं वो सब कुछ करके ही दिखाऊंगी जो कुछ मेरे साथ माजी में हो चुका है। और एक तरफ जुनेद की वालदा जो है वो फरीद की जो वाइफ है उसके पीछे भी लगी हुई है कि बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तुम माँ नहीं बन सकती, इस बच्चे को तुम ज़ाया करवा दो। सब लोग बड़ी कश्मकश में आ गए हैं, ये सब कुछ रुखसाना बेगम कर रही हैं। रुखसाना बेगम ने दूसरों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है, खुद भी चैन से नहीं बैठने वाली। ये जो दूसरों के साथ कर रही हैं इनके साथ खुद भी हो के ही रहेगा, क्योंकि वो असल में खुद वहमी है, इसलिए दूसरों को वहमी बनाना चाह रही हैं। आपको ड्रामा से वहम के नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रहे हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है, इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जैसे रुखसाना बेगम तो अपनी हरकतों से कभी भी बाज आने वाली नहीं है। रुखसाना बेगम कुछ ना कुछ ऐसा करती जा रही हैं जिसकी वजह से सबकी ज़िंदगी मुश्किलात भरती जा रही हैं, और ये सब कुछ रुखसाना बेगम सिर्फ इसी वजह से ही कर रही हैं क्योंकि जो कुछ रुखसाना बेगम के साथ उनके माजी में हो चुका था उसका बदला ले रही हैं अपने हाल में, दूसरों लोगों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद करके, यानी खुद तो बेसकून रह रही हैं, दूसरों की जिंदगी को भी तबाह बर्बाद कर रही हैं, उनको भी बेसकून कर रही हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम ईशल के पीछे तो हाथ धो के पड़ चुकी हैं, ईशल को उसके साथ नहीं रहने दे रही जुनेद के साथ, जिसके बाद रुखसाना बेगम ईशल से यही बात करती हैं कि मैं भी देखती हूँ तुम इस घर में किस तरह से रहती हो। ये बात सुनकर ईशल यही कहेगी रुखसाना बेगम से अगर आप चाहती हैं मैं इस घर से चली जाऊँ तो फिर ठीक है, आप निकाले मैं इस घर से जाऊँगी। यानी रुखसाना बेगम किचन में आती हैं उल्टी पुल्टी हरकतें करने लग जाती, ऐसे लगता है जैसे उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, और ईशल के सामने बर्तन तोड़ने लग जाते हैं और शोर शराबा मचाने लग जाएंगी, जिसके बाद सारा इल्ज़ाम ईशल के ऊपर ले आएंगे और यही कहेंगे ईशल से देख रहा मैं तुम्हें इस घर में रह के किस तरह से जलील और रुसवा करूँगी। ईशल बड़ी परेशान हो गई है ये सब कुछ हरकतें देख के रुखसाना बेगम की। इन्हें रुखसाना बेगम ने अपनी सास को तो पागल बना ही दिया था, वह भी बना दिया था। अब ईशल पे ये सब कुछ इल्ज़ाम लगा रही हैं और जुनेद तो पहले ही ईशल से दूर हो गया है। बेचारी ईशल के ऊपर जो मुसीबत पड़ रही है वो तो बेचारी बहुत कश्मकश में पड़ गई है, जबकि ईशल के वालिद का रुखसाना बेगम का कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से वो अभी पर्दा उठना है इस राज से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड आती जाएंगी, इस राज से पर्दा उठता चला जाएगा, जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ये सब कुछ हो जाने के बाद ईशल अपने वालिद को बताएगी और उनसे यही कहेगी अब वो इस घर में नहीं रहेगी, उनके साथ वापस जा रही है। ईशल के वालिद जब आएंगे तो रुखसाना बेगम उनसे यही कहेंगी जिस तरह आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया और आपसे मुझे अलग कर दिया गया, लेकिन अब मैं वो सब कुछ करके ही दिखाऊंगी जो कुछ मेरे साथ माजी में हो चुका है। और एक तरफ जुनेद की वालदा जो है वो फरीद की जो वाइफ है उसके पीछे भी लगी हुई है कि बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तुम माँ नहीं बन सकती, इस बच्चे को तुम ज़ाया करवा दो। सब लोग बड़ी कश्मकश में आ गए हैं, ये सब कुछ रुखसाना बेगम कर रही हैं। रुखसाना बेगम ने दूसरों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है, खुद भी चैन से नहीं बैठने वाली। ये जो दूसरों के साथ कर रही हैं इनके साथ खुद भी हो के ही रहेगा, क्योंकि वो असल में खुद वहमी है, इसलिए दूसरों को वहमी बनाना चाह रही हैं। आपको ड्रामा से वहम के नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रहे हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जैसे रुखसाना बेगम तो अपनी हरकतों से कभी भी बाज आने वाली नहीं है। रुखसाना बेगम कुछ ना कुछ ऐसा करती जा रही हैं जिसकी वजह से सबकी ज़िंदगी मुश्किलात भरती जा रही हैं और ये सब कुछ रुखसाना बेगम सिर्फ इसी वजह से ही कर रही हैं क्योंकि जो कुछ रुखसाना बेगम के साथ उनके माजी में हो चुका था उसका बदला ले रही हैं अपने हाल में दूसरों लोगों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद करके, यानी खुद तो बेसकून रह रही हैं, दूसरों की जिंदगी को भी तबाह बर्बाद कर रही हैं, उनको भी बेसकून कर रही हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम इशर के पीछे तो हाथ धो के पड़ चुकी हैं, इशर को उसके साथ नहीं रहने दे रही जुनैद के साथ। जिसके बाद रुखसाना बेगम इशर से यही बात करती हैं कि मैं भी देखती हूँ तुम इस घर में किस तरह से रहती हो। ये बात सुन के इशर यही कहेगी रुखसाना बेगम से, अगर आप चाहती हैं मैं इस घर से चली जाऊँ तो फिर ठीक है, आप निकाले मैं इस घर से जाऊँगी। यानी रुखसाना बेगम किचन में आती हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें करने लग जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है और इशर के सामने बर्तन तोड़ने लग जाते हैं और शोर शराबा मचाने लग जाएंगी। जिसके बाद सारे इल्ज़ाम इशर के ऊपर ले आएंगे और यही कहेंगे इशर से, देखना मैं तुम्हें इस घर में रह के किस तरह से जलील और रुसवा करूँगी। इशर बड़ी परेशान हो गई है ये सब कुछ हरकतें देख के रुखसाना बेगम की। यानी रुखसाना बेगम ने अपनी सास को तो पागल बना ही दिया था, वहम भी बना दिया था, अब इशर पे ये सब कुछ इल्ज़ाम लगा रही हैं और जुनैद तो पहले ही इशर से दूर हो गया है। बेचारी इशर के ऊपर जो मुसीबत पड़ रही है वो तो बेचारी बहुत कश्मकश में पड़ गई है, जबकि इशर के वालिद का और रुखसाना बेगम का कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से वो अभी पर्दा उठना है इस राज से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड आती जाएंगी इस राज से पर्दा उठता चला जाएगा। जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये सब कुछ हो जाने के बाद इशर अपने वालिद को बताएगी और उनसे यही कहेगी अब वो इस घर में नहीं रहेगी, उनके साथ वापस जा रही है। इशर के वालिद जब आएंगे तो रुखसाना बेगम उनसे यही कहेंगी जिस तरह आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया और आपसे मुझे अलग कर दिया गया, लेकिन अब मैं वो सब कुछ करके ही दिखाऊंगी जो कुछ मेरे साथ माजी में हो चुका है। और एक तरफ जुनैद की वालदा जो है वो फरीद की जो वाइफ है उसके पीछे भी लगी हुई है कि बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तुम माँ नहीं बन सकती, इस बच्चे को तुम ज़ाया करवा दो। सब लोग बड़ी कश्मकश में आ गए हैं, ये सब कुछ रुखसाना बेगम कर रही हैं। रुखसाना बेगम ने दूसरों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है, खुद भी चैन से नहीं बैठने वाली। ये जो दूसरों के साथ कर रही हैं इनके साथ खुद भी होके ही रहेगा क्योंकि वो असल में खुद वहमी है, इसलिए दूसरों को वहमी बनाना चाह रही हैं। आपको ड्रामा से वहम के नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रहे हैं आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।